से बस स्वागत है आपका फिर से YouTube चैनल पर हमारे। सो गाइज, आज के जो इस वीडियो में है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आजकल मतलब जो भी एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे वो आईफोन हो, iOS डिवाइस हो, उसमें एक ऑप्शन ज़रूर होता है लॉक वाला। तो लॉक के अलावा एक ऑप्शन और होता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट लॉक। स्मार्ट लॉक आपने शायद ही कभी ऑप्शन को ऑन करा होगा, यानी कि उसे खोल के देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर उसके क्या बेनिफिट्स हैं। चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सर्च में जाकर स्मार्ट लॉक टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्मार्ट लॉक टाइप करेंगे, स्मार्ट लॉक। जैसे यहाँ पर स्मार्ट लॉक दिखेगा आपको, यहाँ पर आपको स्मार्ट लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्मार्ट लॉक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर अपना वो पासवर्ड देंगे जो कि फ़ोन का होता है। ठीक है, जो नॉर्मल पासवर्ड जो होता है वो होता है। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑन बॉडी डिटेक्शन, कीप योर डिवाइस अनलॉक वाइल इट्स ऑन यू। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कीप योर डिवाइस अनलॉक्स वाइल इट्स ऑन यू, मतलब जब भी आप फ़ोन को यूज़ करेंगे, ठीक है, और आपके हाथ में होगा, ठीक है, और आप नहीं चाहते हो कि फ़ोन बार बार लॉक हो, तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए हो सकता है। और जैसे आप अपना फ़ोन उठाएंगे यानी कि कैरी करेंगे अपने हाथ में, जब तक आपके हाथ में रहेगा तब तक आपका फ़ोन लॉक नहीं होगा, जैसे कि बार बार हो जाता है अपने आप। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ट्रस्टेड प्लेसेस। ट्रस्टेड प्लेसेस इसमें क्या होगा गाइस, इसमें आपको ये होगा कि जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं या आप अपने कॉलेज जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप चाहते हो कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस हो या ऐसी कोई जगह हो जैसे आपका आपका घर है, जैसे आप अपने घर में एंटर हों और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए यानी कि खुल जाए, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन के अंदर पहले से ऑप्शन होता है स्मार्ट लॉक का। तो जैसे जो भी लोकेशन आप यहाँ पर लगाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड ट्रस्टेड प्लेसेस, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ जहाँ चाहते हैं कि जैसे मैं जिस जगह पे जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचूं तो मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली जो है वो अनलॉक हो जाए, तो है ना कमाल की चीज़। एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं ट्रस्टेड डिवाइसेस, एड डिवाइस टू कीप दिस वन अनलॉक व्हेन इट्स नियर बाई। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके पास कोई ऐसी डिवाइस हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकें, मतलब इंस्टेंटली कर सकें, तो ये एक ऑप्शन भी बहुत बेहतरीन है जिसमें ऐड डिवाइस टू कीप दिस वन अनलॉक व्हेन इट्स नियर बाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी डिवाइस है, जैसे कि आपका फ़ोन भी हो सकता है साइड में आसपास, जैसे वो डिवाइस आपके आसपास पहुंचे और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये तीनों ऑप्शन जो है वो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं जिस कंडीशन में अपने फ़ोन का पासवर्ड बदल मतलब भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी के थ्रू या किसी भी तरीके से। आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है और फेस डिटेक्शन है और अपना आपका जो स्मार्ट पासवर्ड होता है जो भी आप टाइप करके लगाते हैं अपने फ़ोन में, ये ऑप्शन जो है, ये तीन ऑप्शन जो है वो उन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो अगर आपको ये तीन ऑप्शन पसंद आए और अगर आपको इन तीन ऑप्शन यानी कि इन तीन सेटिंग्स के बारे में नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। Thank you very much guys to watching this video till here.